ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हर कल्प ड्रामा हू बहू होने के कारण वही दुख आने ही है। फिर बाबा को याद करने का क्या फायदा? क्यों याद करें बाबा को? बात तो ठीक है, ड्रामा चेंज तो नहीं हो सकता। चाहे बीत गए हैं तो चाहे आने वाले हैं, दुख तो आने हैं, वो आने हैं। मैं कितना भी याद करूं, वो दुख कम होने वाले तो नहीं है। या मेरे पास दो प्रश्न खड़े हो गए। एक, याद करना क्या होता है? क्या आपको याद क्या है ये स्पष्ट है? तभी तो उसके फायदे की स्मृति हो सकती है। दूसरा, ड्रामा में भी कहीं ना कहीं अस्पष्टता है। ड्रामा का ज्ञान त्रिकालदर्शी बनाता है बाबा के द्वारा दिया गया ज्ञान त्रिकालदर्शी बनाता है, परंतु त्रिकालदर्शी बनने का पुरुषार्थ तो हर आत्मा को करना ही करना होगा, करना ही करना होगा। ये पुरुषार्थ याद, पुरुषार्थ को इग्नोर करके केवल बाबा के गीत सुनना, कमेंट्री सुनना, वो बाबा को याद करना नहीं है। जिस गीत के सुनने से, जिस कॉमेंट्री के सुनने से, जिस संकल्प के करने से मेरी चढ़ती कला नहीं हुई, वो वेस्टेज ऑफ टाइम था, वेस्टेज ऑफ एनर्जी थी, वो याद ही नहीं थी, वो याद करना ही नहीं है। परमात्मा याद खुशी नहीं, वो याद ही नहीं। मैं परमात्म संतान, नशा नहीं, वो परमात्म याद नहीं है। इसलिए याद का मतलब बहुत सीधा समझने की जरूरत है। कि मुझे बाबा की
डायरेक्शन पर चलना है, एक भी डायरेक्शन पर आप चले, हमने एक भी डायरेक्शन बाबा का फॉलो किया खुशी ना मिले हो ही नहीं सकता। सारे संसार की एक एक आत्मा को, एक एक देश को, एक एक बात को, एक एक घटना को परमात्म डायरेक्शन पर देख रहे हैं, तो दुख का संकल्प नहीं आ सकता, फीलिंग नहीं हो सकती। ओके, और विस्तार से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करके मनन चिंतन करने का सुअवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ओम।